विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली में श्रद्धा के साथ हुई घटना का आज निषेध किया गया। इस समय हिंदू लड़कियों से अपील भी की गई कि जागरूक होकर लव जिहाद का निषेध करें। इसके साथ ही श्रद्धा के हत्यारों को फांसी होने की मांग की गई है। हाल ही में दिल्ली में श्रद्धा वालेकर की हत्या की गई, इसका विरोध आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। लव जिहाद करने वालों को फांसी की सजा मिले, ऐसी मांग इस दौरान की गई। रोशनी गिजरिया है, दुर्गा वाहिनी महानगर सह संयोजिका आहे। सध्या जे प्रकरण घडलेलं आहे, श्रद्धा वालेकर यांचं जे प्रकरण घडलेलं आहे, त्याला आमचा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति आणि दुर्गा वाहिनी या सर्वांतर्फे आम्ही या प्रकरणाचा निषेध करतो। जी कृती त्यांनी केलेली आहे, जी कृती त्यांनी केलेली आहे ती अतिशय निषेधपूर्ण अशी ती कृती आहे। त्या महिलेचे लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये तो व्यक्ती राहत होता आणि 35 तुकडे करून त्यांनी फ्रीज मध्ये ठेवले। एका जंगलामध्ये त्यांनी एक फ्लॅट घेतला आणि तिथून तो एकेका तुकड्याची विल्हेवाट लावत होता। तर हे अतिशय निंदनीय आणि क्रूरतापूर्ण असं हे कृत्य आहे आणि याला आमचा संपूर्ण मातृशक्ती आणि दुर्गा वाहिनीतर्फे आम्ही याचा जाहीर निषेध करतो आहे। मानवतेला काळीमा फासणारं असं हे कृत्य आहे। रोशनी सोनी, नागपूर, दुर्गा वाहिनी संयोजिका, आज हम वैरायटी स्क्वेअर पर लव जिहाद के विरुद्ध आंदोलन और निषेध करने आए हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को जागरूक होना ही पड़ेगा कि वो लव जिहाद के खिलाफ खुद एक्शन ले। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन आप खुद जागरूक होइए और अफताब को फांसी देना ही चाहिए। ऐसी किस मानसिकता के साथ मुस्लिम है, किस मानसिकता के साथ मुस्लिम लड़के रहते हैं कि आप प्यार का एक तरफ झांसा देते हो और दूसरी तरफ 35 टुकड़े करने की आपकी हिम्मत कैसी होती है? किस मानसिकता के साथ आप लव जिहाद का शिकार बना रहे हो लड़कियों को, और किस परवरिश के साथ आप लोग इस रहते हो? ये मेरा बोलना है। और लव जिहाद को और लव जिहाद करने वाले लड़कों को फांसी मिलनी ही चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके साथ ही लड़कियों को जागरूक होकर इस तरह की घटनाओं का निषेध करना चाहिए ताकि दोबारा समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।